तो बहुत ही कपड़ा पड़ा यहाँ पे मिल रहा है, तो और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो कपड़े पड़े यहाँ पे हैं, और अभी हम चलते हैं और आगे आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि और दुकान लास्ट भी कपड़े की दुकान है, पूरी देख सकते हैं लाइन लाइन में पूरा इसी के अंदर जो है मिलता है भाई। बहुत गर्दी है, देखिए इधर जो कपड़े की दुकान पूरी है देख रहे हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी फिलहाल अपने रूम पे हैं और अपने रूम पे जो आज इंट्रो शूट कर रहे हैं भाई, क्योंकि बाहर जो बहुत धूप है और हम आज जाने वाले हैं भेंदर मार्केट। बोले तो भेंदर यहाँ से पड़ता है मीना रोड के आगे, कि उसके पहले पड़ता है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ कपड़े की मार्केट है, क्योंकि ईद का टाइम चल रहा है, तो कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा अच्छा वहाँ पे मिलता है। और जो आप कपड़े लेते हैं बनाने के लिए ना, वहाँ पे बना बनाया आपको फॉर्मल कपड़ा आराम से 1200 में एक नंबर का मिल जाता है भाई। चलते हैं फटाफट, देखते हैं कैसा है और क्या सीन है, कैसे कपड़े मिलते हैं दिखाते हैं। तो आप लोग चैनल पहली बार जब सब्सक्राइब लाइक करना, चलिए फटाफट निकलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस उतरने के बाद आपको इस वेस्ट में आना है, ठीक है। वेस्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए ब्रिज है, और इधर से अपने जाना है भाई। ये भेंदर के मतलब स्टेशन के बाजू में नज़ारा है, यह बस स्टेशन के जस्ट में जो है मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे हमको देखिए बाहर निकलेंगे। इधर से आप पूरा स्टेशन से आप आएंगे इस तरफ, देखिए ऊपर ब्रिज है और नीचे हमको इधर जाना है, ठीक है, इस तरफ जाना है। तो देखते हैं अंदर जो है ना, इधर ही मार्केट है कपड़े की, और जहाँ पर हम जा रहे हैं ना यहीं पर पूरा मार्केट वगैरह यहीं पर है। तो और आगे चलते हैं भाई, बहुत ही भीड़ भाई। ये भेंदर मार्केट का एरिया है, देख सकते हैं कपड़े की दुकान का इधर है, और इधर बहुत अभी गर्दी है सुबह के टाइम में। रोज़ा का टाइम चल रहा है ना और ईद का टाइम आ रहा है, तो गर्दी बहुत हो सकती है भाई। देखिए इधर खाने पीने के लिए मिल जाएगा, और इधर देख सकते हैं, और ये देखिए पूरा इधर अपने जाना है। शायद यही कहीं पर है जो लेना है, ये जोकर करके लिखा हुआ ना ये वाला, देखिए इसमें ही चलना है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ है मार्केट का नज़ारा, देख रहे हैं भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्दी है। देख रहे हो, देखिए भेंदर वेस्ट लिखा है, ये देखिए भेंदर वेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और मुझे जो इस तरह जाना है उस पार करना है। आपको स्टेशन से बाहर आना है, और बाहर आते ही आपको सीधा जो है क्रॉस कर लेना। आप देखिए साईं बाबा करके एक टॉप है, मतलब पान की दुकान वकान है, तो उसके सामने ही ना देखिए स्टेशन से बाहर आएँगे, स्टेशन है देखिए, देखिए वेस्ट है ना ये, तो आप स्टेशन से बाहर आएँगे आपको, और तो यहाँ पे बस कर देखिए इधर से आप आना है आपको पूरा, ये देखिए ठीक है। अब चलता हूँ, कपड़े की दुकान इधर है शायद इस तरफ इस लाइन में है, और आपको इस लाइन में बहुत सारे कपड़े की दुकान है भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े की दुकान है। मुझे आगे जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं ईद का टाइम चल रहा है, तो बहुत ही कपड़ा पड़ा यहाँ पर मिल रहा है। तो और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो कपड़े पड़े यहाँ पर हैं, और अभी हम चलते हैं और आगे आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि और दुकान लास्ट वाली दुकान है, तो जहाँ पे लेना, तो ऊपर आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। ब्रिज नीचे आप देखेंगे भाई, ऊपर जो एक नया ब्रिज बनाया गया अभी, और वहाँ से आप स्टेशन से आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कपड़े की दुकान की मार्केट, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना यही कि इसके अंदर जो आपको पूरा जो है एक से एक ब्रांड कपड़े भाई मिल सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं भाई, देख रहे हैं ये देखिए भाई सब लोग यहीं पर ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर जो गर्दी बहुत है भाई, भीड़ है, और ये देखिए इसी दुकान है। भाई देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग वगैरह लगा है, बहुत गाड़ी यहाँ पे पार्किंग है भाई। ये भेंदर के स्टेशन के बाजू में पार्किंग है, आगे जाएंगे तो अब जो है देखिए बहुत बड़ा पार्किंग है, और सामने देख रहे पूरा खेत वो दिख रहा है यार। यहाँ देखेंगे तो आपको मतलब गांव जैसा लग रहा है भाई, देखिए इधर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चल के आगे, पूरा जैसे गाँव दिख रहा है, मछली उछली से जिलाया गया है। ये देखिए ये जो है इसमें भाई पानी वगैरह भरा हुआ, मुझे इसमें लगता है मछली जिया गया, ठीक है, ये देखिए मछली, ये देखिए पूरा खेत है, पूरा मैदान जैसा हुआ है। तो गाइस सही दुकान है जहाँ पे अभी कपड़े की दुकान है, पूरी देख सकते हैं लाइन लाइन में पूरा इसी के अंदर जो है मिलता है भाई। बहुत गर्दी है, देखिए इधर जो कपड़े की दुकान पूरी है, देख रहे हैं हर एक ब्रांड ब्रांड का कपड़े मिलता है यहाँ पे। तो यही है जो कि कपड़े की मार्केट है, देख सकते हैं, देखिए पूरा इसके अंदर से जो है ले लिए हैं कपड़े, और देखिए नाम देख सकते हैं अगर आपको, यहाँ बाजू में देखिए गाड़ी की पार्किंग भी यहाँ पर है, ठीक है, और देखिए इसी देख सकते हैं भाई पूरा जो है इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक से एक ब्रांड कपड़ा मिलेगा। और ईद का टाइम है, तो ईद के टाइम पे आप और अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हमारे पीछे इस लाइन में पूरा जो आपको लाइन में देखने को मिलेगा कपड़े की दुकान है भाई, ठीक है, तो आप देख सकेंगे। देखिए इसके अंदर से भी भाई लोग ले रहे हैं कुछ लोग, तो आप देख रहे हैं यही है भाई मार्केट। नाम मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये अपने मनपसंद के कपड़े यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा जो ये देखिए, ठीक है।
फोन ले दो। सही बोल है ना, ईद है ना, ईद है ना। कपड़ों पर लेने के बाद हम लोग निकल लिए यहाँ से, अभी जाते हैं देखते हैं स्टेशन पे और फिर मिलते हैं, देखते हैं ये यहाँ पे भैंदा स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से आप आएंगे बाहर तो वहाँ से जाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने टिकट ले लिया सब कुछ, तो हम लोगों ने कपड़ा पहले ले लिया, आप निकलते हैं यहाँ से। भाई बहुत ही अच्छे दुकान है यहाँ पे, आप आएंगे क्योंकि यहाँ आप देखिए ये है भैंदा स्टेशन जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, जो देखिए पूरे स्टेशन में जा रहे हैं, देखिए भाई देखिए पूरा जो भैंदा स्टेशन है यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सामने आप देख सकते हैं पूरा जो है। हम आगे जाएंगे और अंदर एक टिकट पकड़ लेंगे और उसके बाद जो है आपको दिखाएंगे, चलते हैं आप देख सकते हैं पूरा देखिए यहाँ से, ठीक है। और भैंदा स्टेशन पे खड़े हुए अब यहाँ से निकलते हैं अंधेरी स्टेशन के लिए, मैंने आपको दिखाया भाई आपको कैसे आना है लेने के लिए कपड़ा, अंधेरी आएंगे अंधेरी स्टेशन से भैंदा स्टेशन और वहाँ से आप उतरेंगे तो आपको जो है स्टेशन के बाहर वेस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगी कपड़े की दुकान जहाँ पे आप जो है ले सकते हैं, पूरा शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग हैं तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए ट्रेन आएंगे पास और उसके बाद में हम यहाँ से हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।